क्या कमाल कर दिया है आज आप लोगों ने। सरगुजा संभाग के दूर सुदूर के क्षेत्रों से आए आप सब हमारे सब साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं, हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। सरगुजा ने दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, याद है ना? याद है कि भूल गए हो? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद है? ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है? और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है, भाजपा, भाजपा, भाजपा। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है। साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था, उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की,
इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट, ये याद रखना भाइयों, याद रखोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखोगे? पक्का रखोगे? आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? ये मोदी का काम है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहां गांव गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं, गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता, और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था, क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मुझे बताइए भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको अंग्रेजी में पूछता है क्या? आपकी भाषा में पूछता है कि नहीं पूछता है? आप अपनी भाषा में बताते हैं तो वो समझता है कि नहीं समझता है? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? ये मोदी है जिसको आपकी तकलीफ का पता है, और इसलिए मैंने तय किया अब गरीब मां का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जिस भाषा में वो पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर बनेगा, उसी भाषा में इंजीनियर बनेगा। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार आदिवासी परिवारों को लाखों नए पट्टे दे चुकी है। 9 साल पहले तक जहां 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, सामुदायिक पट्टे, वहीं हमने 80,000 से अधिक नए सामुदायिक पट्टे दिए हैं।
और इसीलिए हर छत्तीसगढ़ी एक ही बात कहता है, भाजपा आवत है, भाजपा इसलिए सरगुजा ने भी हुंकार भरी है, अब की बार मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साये में जीना है क्या? ये बम बंदूक के साये में जीना है क्या? कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग? और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे? बिल्कुल साफ कर दोगे? हर कोने में से हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? पक्का हटाओगे? जरा पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताइए, हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? यहां सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई है। बेटियां कहां गई, इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है।